चोन प्रचार किवें चल रहा है तो लोगों का हुंगारा कि मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है और हर तरीके मैं लगता है कि लोग इस बार इस ऐत की बदलाव चाह रहे हैं। लोग ये समझ गए कि आम आदमी असली कौन है और खास आदमी कौन है। जोड़े खास ने उन्होंने पूरा मीडिया दस रहा है ना, जो जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्हें दादे बाबे ने या माँ प्यो ने कुछ किया उन्होंने वो मिल रहा है कि दूजे कांग्रेस से ला लो जिन्होंने हर 5 साल बाद नवी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज करनी है, आनंदपुर साहब तो लुधियाना हूँ चंडीगढ़, उन्होंने तो काम ही यही है। सो दीज आर द इशूज़ जिते लोग समझ गए हैं कि यार ये आप दे लिए आए हैं, ये साडे लिए नहीं आए, ये गरीबों लिए तो है ही नहीं। तो इन्हों जो वोट बैंक हूँ जो स्पेसिफिकली जो चंडीगढ़ चो चंडीगढ़ दसते हैं ये दो पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस क्लीन एंड ग्रीन चंडीगढ़ और ब्यूटीफुल चंडीगढ़, ये बहुत ही अड पिक्चर आ रियालिटी। जब तुम कॉलोनिया च वड़ के देखो जो मेजर वोट बैंक है जितों वोटा मिलकर जितते हैं उत्थे तो हाल ही इन्ने माड़े, इन्होंने तो उन्होंने कख छड़िया ही नहीं है। और वो इन्ने दुखी ने कि जिदा तुम मैंने हूँ पूछा कि किवें लोगों का हुंगारा मिल रहा है, भाई प्यार तो मिलता मिलता लेकिन उस तो बाद जुतियां भी मिलदियां ने, मेरे मुँह तो दरवाजे भी बंद करते हैं, मैंने घूर के भी देखते हैं, मैंने कहते तू भी आ गई, वो भी आई सी एक जी कभी जिन्हें शक्ल नहीं दसी, उन्हें सा एक पिंड से जो उन्हें गोद लिया मैडम किरण ने, कहते किरण खेर ने गोद लिया आ पिंड एक बार आके नहीं देखा। बीजेपी ने नाश बिठाता कांग्रेस सानू थोड़ा 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 जहर देती सी, बीजेपी ने एकदम जहर देता, लेकिन जहर दोनों दे रही सगियाँ। 70 साल का गाना गाते हैं कि असं ये करता वो करता, जे तुसी 70 साल कुछ किया हों हाल नहीं होंगे देश का, उही इंप्लीमेंट बीजेपी ने करता प्लान, पूरा चंडीगढ़ दुखी पे है। यार बिफोर यू आस्क मी समथिंग मैं तुम दसती है ना जो मैं मुद्दे देखे ने, देखो चंडीगढ़ मैं यूनिवर्सिटी गई, स्टूडेंट परेशान, जिहड़े स्टूडेंट बैकवर्ड कम्यूनिटी से और रिजर्वेशन में लैके बैठे थे उन्होंने रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, जो सेंटर के हिसाब से जो रूल है ना वो मिल रहा, ना 27 मिल रहा ना 12 मिल रहा, 5 तुसी दे रहे हो उत्थे धक्का, बच्चों के फर्जी पर्चे। चंडीगढ़ के फिर मैं स्टूडेंट्स नाल मिली, स्टूडेंट्स नाल मेरी बाहर मीटिंग हुई है काफ़ी, वो कहते जी असं इतने जमे पले हैं, साडा इतने कोई रिजर्वेशन नहीं रिप्रजेंटेशन नहीं, आपको बाहर पढ़ने जाना पैंता या तो फिर जॉब्स बाहर करनी पैंदी, साडे लई इतने कुछ है ही नहीं। फिर मैं जी जब कॉलोनिया गई कहते जी यार मकान देखे तुम्हें साढ़े इन्ने छोटे छोटे मकान चाहना, असं भी बंदे रह रहे हैं और भी बंदे रह रहे हैं, वो बाद भी ना जे असं थोड़ी बहुत ही इतने वो अपना लोन वगैरह जो मिले से ना जब असं इतने आए थे वो खत्म हो चुके हैं, उस तो बाद भी सानू इन्हां दे मालिकाना अधिकार नहीं मिल रहे। फिर मैं उन्होंने पूछा तुसी जब आए थे किधर आए, कहते कांग्रेस का, मैं क्या की किया, कहते झूठ मारिया कुछ नहीं किया ना कुछ दिता। फिर उस बीजेपी आई यही वादे करके कि असं तुहानू देवांगे लेकिन कुछ नहीं दिता। फिर उस तो बाद जब असं सफाई कर्मचारी को मैं अर्ली मॉर्निंग गई हाँ 5-6 बजे लोगों के विचरन, तो मैंने सफाई कर्मचारी वाला तबका मिले, वो मेरे बीबियाँ हाथ फड़ के रोन लगी हाँ कि ठेके प्रथा हो गई जी, मेरा बच्चा बीमार है मैं बीमार हो रही, ठेकेदार इन्ना हरैस करता, एक तो असं घरों परेशान गरीबी तो परेशान, दूजा ठेकेदार यह जी हरकत करता, दूजा आप नहीं पता कि कद कढ़ देना। देखो ये बड़ी चलाकी हैगी है ठेके प्रथा कि आई ना, जान बुझ के सरकार ने अपने हाथ चके कि ठेकेदारों लियाओ ताकि ये मरण जीन कुछ भी हो इन्हों बीमारियां लगन गंदा काम करके, इन्हों की जिम्मेदारी साड़ी नहीं रहे क्योंकि जे बीमार हो गए सरकारी हो गए तो सरकारी सरकार तो मुआवजा देगी, पैसा देगी मरण से या बीमार होने पेड लीव देगी, लेकिन उत्थे की आ ऑपोजिट ठेकेदारी वो परेशान। फिर जी ये पूरा जब लोग स्ट्रैटेजी समझ रहे थे ना कि दोनों ने किवें तक धोखा किया, तो मैं जब उन्होंने समझाया उस तो बाद जब असं सैक्टर च वड़े है ना, सैक्टर के लोग कहते जी कहते नीड बेस चेंज कर लो, माड़ी मोटी चेंजिस तुम कर सकते हो, हूँ देखो असं थोड़ी बहुत चेंजिस कर ली उस तो बाद साढ़े तो नोटिस पाते हैं अंदरों अंदरों कर लिया बुलडोजर चलाते हैं। यार तुम इन्ना भी यहोजी कोई स्ट्रैटेजी नहीं लैके आए कि कुछ यहोजा इंप्लीमेंट करो कि थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन ये हो जा जिथे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तुम इन्ना ना धक्का करो उन्होंने। जिमें कह रहे कि सियासत दोवें पार्टियां लोगों के नाल धक्का कर रही ने, सियासी पार्टी तो थोड़ी भी है, तुम भी वादे वो जिम्मे वादे तो अपने मुकरे ने, तुहानू की लगता तुम पूरे करोगे, तुम भी उन्होंने वांग करोगे वोटा तो बाद? मैं दसदी हाँ साड़ी पार्टी जी है ना वो साड़ी पार्टी का नाम ही बहुत अड्ड आ, क्यों? क्योंकि साड़ी पार्टी कर्म करन च विश्वास करती है, कहन च नहीं करती, ये पार्टियां कहंदी ही कहंदी, असीं मैनीफेस्टो नहीं कढ़दे क्योंकि असीं वो झूठे दिखावे वादे नहीं करदे कि जी असीं मैनीफेस्टो च चीज़ां रखती हैं जो तुसीं करी करनी ही नहीं। साड़ी पार्टी ने कभी भी मैनीफेस्टो नहीं कढ़े, साड़ी पार्टी ने हमेशा दुख दर्द जनता दे विच रह के लड़े हैं, लोगों के अधिकारां लई साड़ी पहचान ही उहदे नाल होई है कि असीं अधिकारां लई लड़े, असीं मान सम्मान की लड़ाई लई, असीं हक हकूक की लड़ाई, असीं कहा कि भैया जिसकी जिनी संख्या पारी उहदी उन्नी हिस्सेदारी, जो भी कोई वंचित आ जिहदे कोल कोई चीज़ नहीं हैगी पिछे रह गया उहनूं उहदा हक दवाना, इह साडी पॉपुलैरिटी हैगी, इस लई असीं जाने जाने, सानूं तो जरूरत नहीं। हुण तुसीं मेरे संघर्ष की गल करो, वाई डॉक्टर रितू सिंह इज इंपॉर्टेंट फॉर चंडीगढ़, पढ़ी लिखी युवा विमेन ये सारिया चीज़ा उन्होंने कोल हैगी तो दस दो, नहीं कम मेरा कोई
राजा का बेटा हूँ रानी के ढिड चो नहीं पैदा होगा, ये संविधान ने किया है। और मैं संविधान को मनन वाली, संविधान को बचाना मेरी जिम्मेदारी, मैं इंप्लीमेंट करके दसना कि जी तुसी सानू वोट करो। मैं युवा, मैं एक अकैडमिशन, मैं स्टूडेंट्स की राखी करूँगी, उन्होंने हकों को नहीं मरन दूंगी, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कराऊंगी, वधिया एजुकेशन, वधिया हैल्थ। जो तुसी डंपिंग जोन बनाया गरीबों के महल, यार लिटरली उस निकल के देखो यार, उतो इन्ना साह घुटदा, इन्नी गंदी बदबू आ ना, किवें रेंदे होने यार वो लोग। उन्होंने बच्चों इन्नी बीमारियां, मैं देखा बच्चे खारशा कर करके ना स्किन रैशेज हो गए ने, स्किन डिजीज़ हो गई उन्होंने। ये सारिया चीज़ा कौन करूगा, जिन्होंने कभी उन्होंने गलिया में जाके नहीं देखा जिन्हें तुम वोट कर दो, वो तुहाड़ी प्रॉब्लम सुन के की संसद च चुकणगे। उन्होंने तो कभी मुँह ही नहीं खोलना, क्योंकि वो तुहाडा वोट अपने आप दे लई रह रहे ने, अपने बच्चे लई रह रहे ने, अपने ऐशो आराम लई रह रहे ने, उन्होंने तुहानू कभी पुछना नहीं हैगा। इस करके मेरी बेनती है जी चंडीगढ़ की जनता तो, मैं तुहाडी गल जब मैनू मेरे मुँह तो दरवाजा जो डोर टू डोर कैंपेन मार देना ना, तो मैं ऑफेंड नहीं फील करती, मैं उन्होंने दर्द फील करती हूँ कि इन्हों ठगया गया, इन्हों धोखा दिता है, इन्होंने लुटिया गया, इन्होंने वोट लैके, इन्होंने दारू पिला के 500 रुपये दे के बेचारे गरीबों जो लोकल उन्होंने उत्थे दलाल रख दें पार्टियां, इन्होंने ठगया गया। यही काम आप नहीं करना, क्योंकि आप चीज़ा हंडाइया ने यार, 10 साल का मेरा संघर्ष है काम करने का, मैं देखी वो चीज़ा फेस कीतियाँ, मेरा परिवार यार अद्धे तो ज़्यादा चंडीगढ़ मैनू पता उन्होंने की हालात ने, की चीज़ा फेस करते हैं। सो असी जनता नू लीडर वड़िया वड़िया कपड़े वाले एसी दी गड्डियां चाण वाला ग्लैमर इंडस्ट्री वाला संतरी मंत्री दा बच्चा लीडरां दा बच्चा नहीं चाहिए। हुण अपने आम आदमी जो उन्होंने विचों निकलिया होए।